I'm Sabrina Bhatt, a PG scholar from the Division of Aquaculture. Welcome you all graciously to the second session of today's training program. And to start the proceedings of this session, I would like to call Dr. Sharvan Mishra, Executive Director, Vivasan Agro Pharma Private Limited, Bijapur, Indore, Madhya Pradesh, to share his lecture. Please, sir, I welcome you. उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनका क्या क्या आपको एडवांटेज मिलता है, ये हम अभी आज की जो मौका प्रेजेंटेशन है, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन आपको हम दे रहे हैं और उसमें जो भी आपको बाद में डाउट आए आप इसको एक लेक्चर में समझिए, इंटरेक्टिव सेशन समझिए, जहाँ भी आपको लगे आप हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग एज ए डिस्कशन ये रखेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, अगर हम ये बात करें कि आपको अगर एक्वाकल्चर में सक्सेस लेना है तो कैसे लेना है, तो उसके लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है कि आप कौन सी स्पीशीज को कल्चर कर रहे हो और आप कौन सा कल्चर सिस्टम फॉलो कर रहे हो। सबसे पहला जो एक बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो कौन सी मछली हमें करनी चाहिए और कौन सा कल्चर सिस्टम हमें अडाप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे आपके यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर आपको ट्राउट कल्चर करना है तो आप अर्दन पॉन्ड में नहीं कर सकते, जो कि जो कोल्ड वाटर फिशेज हैं वो की जाती हैं, मतलब और जो और स्टेट हैं, हरियाणा है या मतलब जो भी उत्तरांचल है वहाँ पर लोग अर्दन पॉन्ड में भी करते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ का टेरिटोरियल ऐसा नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। और दूसरा जो सबसे जो मेन पॉइंट आपका आता है वो सीड क्वालिटी ऑफ सीड आपकी अगर अच्छी नहीं होगी, जो आपके बच्चे जो आप करने कल्चर करने जा रहे हो वो अच्छे नहीं हुए, तो आपका जो है कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है क्वालिटी ऑफ फीड। आप जो क्वालिटी ऑफ फीड का मतलब सिंपल ये नहीं होता है कि आपने कोई भी फीड मार्केट से ले लिया और आपने अप्लाई कर दिया या लोगों ने बोला कि आप चिकन बेस डाल दीजिए और कुछ भी खिला दीजिए तो उससे मछलियाँ ग्रो कर जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। उससे बहुत ही उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और ये जो चौथा आपका पॉइंट होता है वो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। ट्राउट जैसा कि आप जानते हो बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें ज़रा सा भी अगर आपने वाटर क्वालिटी में खराबी आई तो ये मरना शुरू हो जाती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं वो होता है बायोसिक्योरिटी मेजरमेंट, कि जैसे कोई डिजीज़ अगर आई तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको उसको संभालना चाहिए, उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें क्या क्या करना चाहिए, इन पे ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। और अगर हम ये सब कर अगर हमने अच्छा किया हुआ है तो जो लास्ट का पॉइंट है फिश हेल्थ मैनेजमेंट वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे जो जरूरी चीज़ है अभी कोल्ड वाटर, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो है बताने की जरूरत नहीं कोल्ड वाटर होता क्या है, जहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता उसको कोल्ड वाटर के उसमें लिया जाता है। और उसमें जो है कोल्ड वाटर फिशी मतलब उसमें सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आप देखो तो दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया, एक हिमालय रीजन है जो आपका रीजन है और दूसरा जो पेनिनसुलर रीजन है या साउथ रीजन है या वेस्टर्न घाट्स है, दो ही जगह पे कोल्ड वाटर फिशरीज होती है। नेक्स्ट, अभी कोल्ड वाटर फिश की बात करें और ट्राउट की बात ना करें ये तो नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि देखिए ये जो रेस वेज होते हैं ना, आपने तो देखा होगा सब लोगों ने, ये रेस वेज की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, ये आपने देखिए इसमें कल्चर सिस्टम की हमने बात किया था, तो देखिए दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक तो होता है कि आपका रेस वेज में आप कल्चर करें और दूसरा होता है आरएस सिस्टम में काम करें। आरएस सिस्टम मतलब होता है रिसर्कुलेटरी एक्वा सिस्टम, जो जिसमें एक पानी बार बार आप उसको यूज़ करते रहते हैं और रेस वेज में पानी आता है और निकलता रहता है, तो ये सिस्टम है। ये कुछ मॉडल्स हैं, आइडियल मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कमर्शियल पॉन्ड्स हैं जो मतलब जो कमर्शियल स्केल पे ट्राउट फार्मिंग करते हैं वो इस तरह का दिखता है। ये एक मॉडल फॉर्म है जिसको हमने R&D फॉर्म में डेवलप किया था। नेक्स्ट, ये कुछ स्पीशीज हैं जो मतलब मिलती हैं जो कोल्ड वाटर में, एक तो आप ये देख सकते हो ये महाशीर हैं,
महासीर भी कोल्ड वाटर में आती है, तो ये तीन वेराइटीज हैं जो आपको मिलती है। और इसके अलावा नेक्स्ट, ये आपकी कॉमन कार्प्स हैं, एक्जोटिक कॉमन कार्प्स हैं जो भी कोल्ड, ये भी कोल्ड वाटर उसमें ही डेवलप होती हैं। तो ये जैसे आप लेदर कार्प देख लीजिए, मिरर कार्प देख लीजिए, चाइनीज कार्प देख लीजिए, ये सिल्वर कार्प देख लीजिए, ये स्केल कार्प देख लीजिए, ये भी कोल्ड वाटर फिश में ही आती हैं। लेकिन शायद आपके यहाँ का टेम्परेचर उनको सूट ना करे, इसलिए यहाँ पे शायद पॉसिबल ये नहीं है। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो ट्राउट तो कश्मीर का गढ़ है, तो आप सब जानते होंगे इनके बारे में, तो इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये कुछ जो और स्पीसीज हैं जो मतलब इंडिया में जो कल्चर की जाती है, जैसे इंडियन मेजर कार्प हैं, लेकिन ये यहाँ के लिए नहीं बनी है, ये प्लेन्स के लिए बनी हुई है। मुरेल्स हैं, सिंगी है, मांगुर है, थिलेपिया हैं ये, लेकिन ये सब यहाँ के लिए नहीं बनी है। ये सब आप जो है प्लेन्स में कर सकते हो जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट, अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सीड क्वालिटी की हम बात करें, तो सीड क्वालिटी, अच्छी सीड क्वालिटी क्या होती है? सभी कोई किसी भी हैचरी के पास आप सीड लेने जाओगे तो ये नहीं बोलेगा कि हमारा सीड खराब है, सब बोलेंगे हमारा सीड बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई सीड होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो अच्छी, जो आपके पास जो भी ऑप्शन आपके मौजूद हैं यहाँ पे, उनमें सेलेक्ट ये करना है कि उनमें से कौन सी हैचरी सबसे अच्छी है, मतलब जहाँ का सीड अच्छा है। तो उसको आप कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि वो अच्छी हैचरी है कि नहीं है? तो उसका जो पहले का जो रिकॉर्ड आपका है, उसका जो पहले का रिकॉर्ड है, जो उससे पहले आप फार्मर से बात करिए कि आपको कैसा ये रहा, ये इनके यहाँ से सीड लेके आप आए थे तो ये कैसा परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था कि नहीं किया था। और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो उनसे ये पता करना होता है कि उनकी हैचरी में बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं कि नहीं होती हैं। और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या आता है, प्रॉपर वेट ऑफ द ब्रूडर्स। अभी हर आदमी को लालच है, वो क्या समझते हैं कि अभी सीड निकालना है और उनके पास प्रॉपर ब्रूड स्टॉक नहीं है। अगर मान लीजिए हमें 4 किलो की मछली चाहिए, 4 किलो की मछली नहीं है, 3 किलो की है, तो 3 किलो की मछली कहीं इस्तेमाल करके आपको ब्रूड स्टॉक बना के वो बना के उसका सीड निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन जब आपके पांड में जब आएगी तो परफॉर्म नहीं करेगी। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि वो जो हैचरी है वो उसका ब्रूड स्टॉक का जो टैंक है, वो जो साइज है वो सही है, और वो जो खिला रहे हैं मछलियों को वो क्या खिला रहे हैं, कचला खिला रहे हैं, मतलब जो आपका ये चिकन बेस्ड या मटन बेस्ड है वो सब खिला रहे हैं, या कोई कमर्शियल अच्छी डाइट खिला रहे हैं। क्योंकि अगर ब्रूड स्टॉक अगर माँ हेल्दी नहीं होगी तो बच्चे उसके हेल्दी नहीं होते हैं, ये एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है। तो आप खुद हैचरी में जाएं और आप ये पता करने की कोशिश करें कि आप खिलाते क्या हो। अगर उन्होंने बोला कि नहीं साहब मैं तो चिकन बेस्ट खिला रहा हूँ, या मतलब हमने ये लोकल जो फीड बनते हैं वो मैं खिला रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि वो उसके जो बच्चे होंगे हेल्दी नहीं पैदा होंगे, वो तो सीधी सी बात है। और उनकी जो एज है, जो आपके जो ब्रूडर्स जो आप यूज कर रहे हो उनका जो एज है वो भी बहुत एक्चुअली मैटर करता है कि किस एज में आपको दे रहे हैं, वो 3 साल का है, 4 साल का है। जितना एजेड होगा वो ब्रूड स्टॉक उनका उतना अच्छा सीड अच्छा मिलता है आपको। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना चाहिए कि अपना ओन एक्सपीरियंस, जैसे अभी आप कल्चर करने जा रहे हो, आप फार्मिंग में आप उतर रहे हो या इस इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो, तो सबसे पहले आप सर्वे कर लीजिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अगर आपने खुद कल्चर किया हो तो आप समझिए कि नहीं साहब फला हैचरी से लेके आया था तो उसका सीड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आए थे। ऐसे दूसरे लोगों से भी पूछ लीजिए, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, देखिए फिर क्या, जो अगर आपको लगता है कि वो हैचरी अच्छी है देन वहाँ से आप सीड लेके आइए। नेक्स्ट, ये देखिए ब्रूड स्टॉक रेजिंग होती है, आपको तो पता होगा, ये एक जरूरी नहीं है आपके लिए जानना क्योंकि ये तो हैचरी की पार्ट, मैं जैसे दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। रेस वेज में इस तरह के जो ब्रूड स्टॉक होते हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद उनको जो मेल फीमेल आइडेंटिफाई करके उनकी स्ट्रिपिंग होती है। नेक्स्ट, उसके बाद उनका इनक्यूबेट किया जाता है और उनकी हैचिंग कराई जाती है, सीड निकलता है। उसके बाद उनकी नर्सरी रियरिंग होती है, जो उसके बाद में आपको वो जब ऊपर आ जाती हैं, वो जब फ्राई आप बन जाते हैं, और उसके बाद जब उनकी जो फ्राई होती है उसकी जो रियरिंग नर्सरी में होती है वो एक मॉडल है। नेक्स्ट, अब आपको जो फिंगरलिंग है जो आपको मिलने वाला है वो ये स्टेज मिलती है आपको जो लास्ट में मिलता है वो ये आपको फिंगरलिंग आपको दिए जाते हैं। तो फिंगरलिंग में आप जब
सिलेक्ट करने जाएं, आप ये देखिए कि चूंकि ये कार्निवोर स्पीसीज होती है, आपको पता है कि ये ट्राउट जो है एक दूसरे को खाती भी है, तो आप अगर कैनिबलिज्म होता है तो सबसे जरूरी क्या चीज, जब आप सीड सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि उसमें साइड वेरिएशन ना हो। आप उनसे कहिए कि हमको एक एक टाइप का ही सीड दीजिए, आप अगर टाइम लगता है तो आप उसको फिल्टर कर लीजिए, या अगर उनमें छोटे बड़े ज्यादा हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि नहीं हमको ये सीट चाहिए नहीं, हमको वही सीट चाहिए जो आप हमें एक साइज का दे पाओ। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, हर हैचरी वाला बदमाशी करता है, आपके साथ भी यही करेंगे वो, तो आप ये कोशिश करिए कि जब आप सीट लेने जाएं तो आप खुद चेक करें कि आप हमें जो सीट दे रहे हो वो कैसा है और वो यूनिफॉर्म साइज का हो। यूनिफॉर्म साइज का नहीं है तो आप बोलिए ग्रेडिंग करके हमको दीजिए आप उसके, क्योंकि इतनी इतने इतने ज्यादा आप लाख में लेने वाले हो नहीं, कुछ कुछ हजारों में लिए जाते हैं सीट आपको, तो वो आप उनको बोलिए कि आप हम कल आते हैं आप उनको बराबर साइज का ही सीट दीजिए, लेकिन अच्छा सीट दीजिए हमको। नेक्स्ट, ये कमर्शियल कल्चर पॉइंट्स हैं, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या आपको स्टेप लेने चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सीट स्टार्टिंग करने से पहले आपको क्या क्या, ऐसा नहीं है कि बस आप गए और सीट जो है उठा के लेके चले आए, आपका जो पॉइंट है वो भी तैयार होना चाहिए। अगर आपने पॉइंट की तैयारी नहीं की है तो कोई मतलब नहीं, आप कितना भी अच्छा सीट लेके आओ परफॉर्म नहीं करने वाला है। तो आपका जो है सबसे पहला जो है कि उसकी सफाई जो है, आपके टैग क्लीन कर लिया हो आपने, और सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है कि उसका आप पानी को अच्छी से तैयार करें, कि आप जो उसमें जो है पानी का जो क्वालिटी है वो आप उसको चेक कर लीजिए। बहुत ही जो ट्राउट होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है क्लाइमेट, ये टेम्परेचर चेंज को लेके, तो अगर आप कहीं वहाँ से एचएस लेके आए उसका टेम्परेचर अलग है और आपके जो नर्सरी टैंक का आपका जो कल्चर टैंक का टेम्परेचर अलग है तो पक्का आपको मॉर्टेलिटी आती है, ये चीज़ एक इशू बड़ा होता है। तो थर्मल साप ना लगे ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आप जो है उसको एक्लेमटाइज करें प्रॉपरली, उसके बाद ही आप करें। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप को जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जब आप जो ट्रांसपोर्ट करके जो सीट लेके आ रहे हो अपनी हचरी तक, उसका जो टेम्परेचर है 0.5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से आप उसको कम करिए। जैसे अगर आपका वहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री था और आपके यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री है, तो आप उसको टाइम लीजिए उसको उस टेम्परेचर पर लाने के लिए, अपने टेम्परेचर में टाइम लाने के लिए, 12 डिग्री पर लाने के लिए आपको, और उसका जो टाइम है वो 0.5 बहुत अच्छा है। लेकिन टेस्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, आप एक ग्लास ऐसे लीजिए, उसमें दो चार डरें डाल दीजिए और छोड़ के दो चार घंटे भूल जाइए, दो चार घंटे बाद आके देखिए अगर पूरा आपका पानी सफ़ेद है और वो तैर रहे हैं देन इट्स ओके। कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है कि जो आप फीड खिला रहे हो, क्योंकि हम एंड में कल्चर किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, और अगर अगर हमने महंगा फीड खिला दिया, बहुत महंगा फीड खिला दिया और आपका एफसीआर बहुत ज़्यादा जो है आ गया, तो जितने का तो आपकी मछली भी बिक रही है उससे आपने जो उनको दाना खिला दिया है तो उसका तो कोई मतलब बता नहीं है। तो वो आपको कास्ट इफेक्टिव कैसे आपको पता चलेंगे, वो एफसीआर आपका कम होना चाहिए। एफसीआर का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब एक किलो मछली पैदा करने के लिए आपने कितना फीड इस्तेमाल किया, वो जितना कम होगा 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 अगर आपका एफसीआर 1:5 आता है देन इट्स ओके। लेकिन अगर 1.5 से 1.6 चला गया, आप समझ लीजिए कि आपको नुकसान होने वाला है, कि जितना पॉइंट आपको बढ़ता जाएगा, जितना एफसीआर आपका बढ़ेगा, आपका जो घाटा है वो उतना ही होने वाला है आपको। और जरूरी क्या है कि एक गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं कि जो आपकी फीड कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए, BEPS सर्टिफाइड होनी चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस सर्टिफाइड होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए चेंजेस हमें होने चाहिए, हमें हमेशा इस पर प्रयास करना चाहिए कि नया फीड हमको मिले, जो भी हमारा फीड हमको आ रहा है वो कास्ट इफेक्टिव हो, और उसके लिए हमें नए नए फार्मूले ट्राई करने चाहिए। तो उसके लिए जो कंपनी जिस फीड का आप खरीद रहे हो उसके पास आपके अपनी खुद की आर एंड डी फैसिलिटीज हो, जहां वो ये ट्राई कर सकें कि ये हमारा फीड अच्छा है या नहीं,
परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ग्रोथ नहीं आएगी इससे तो एफसीआर बढ़ेगा आपका, एफसीआर बढ़ेगा मतलब आपका मुनाफा घटेगा। और लैब होनी चाहिए, लैब बहुत जरूरी है कि आप कैसे पता करोगे कि हम जो दावा कर रहे हैं कि हम हमारा जो प्रोटीन 50% है या 40% है या फैट हमारा 6% है 10% है वो है कि नहीं, तो उसके लिए उनके पास अपनी की लैब होनी बहुत जरूरी है। ये आप खुद पता करें उसके बाद ही आप फिर करें नेक्स्ट स्टेप। अभी क्यों क्वालिटी ऑफ फीड इज मस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जो है क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, लेकिन वो जरूरी क्यों है नेक्स्ट लाइन। अब आप देखिए इसमें ये 100% आप इसको मान लीजिए कि समझ लीजिए 100 रुपए का आपका ये पूरा कास्ट आपकी आ रही है, तो उसमें आप ये देखिए नोटिस करें आप कि 60% जो कास्ट आपकी है वो फीड की है सिर्फ। तो 60% मतलब जो है आप जो है पूरा फीड पे वेस्ट कर रहे हो, फीड पे इन्वेस्ट करो सारी। तो अगर आपका फीड अच्छा नहीं है तो फिर आपका सारा जो आपका इकोनॉमिक्स है पूरी चेंज हो जाएगी। आपको इसमें लीज में करीब अगर आपने लीज पे लिया तो 20% लगभग लीज का होता है, 10% कास्ट आपकी जो है लगभग सीट की होती है और 10% मेंटेनेंस कास्ट जो आती है लेबर वगैरह जो उसमें होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे अभी हम अपने अपने फीड की बात करें, जिस कंपनी का हम फीड बना रहे हैं अभी, उसमें जरूरी क्या क्या चीज़ बहुत जरूरी होती है, जरूरी क्या होता है कि उसमें लेस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो। जैसे मैंने बोला कि डाइजेस्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो आपने प्रोटीन दिया है वो डाइजेस्टिबल नहीं है तो अमोनिया बना दीजिए, तो वो सबसे कम होना चाहिए उसमें आपके फीड में जो हो। और ये जो है ना बहुत कम आपको वो कम उसमें आपको अच्छा एफसीआर दे, अच्छी ग्रोथ है और मैक्सिमम जो है आपको आपके जो पानी की क्वालिटी को लगातार बराबर रख पाए ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारा नया फीड प्लांट है जो कि यूरोप की उससे हमने बनवाया है। ये हमारा R&D खुद का टैंक है हमारे, ये हमारी लैब है जहाँ पे हम सब टेस्ट करते हैं पूरा। नेक्स्ट, अभी क्या जरूरी है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका जो है जो साइज डिफरेंट साइज है वो इस टाइप के होने चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होने चाहिए और उनमें रिटेंशन जो है क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ जो फीड आएगा बहुत दूर से आएगा, मतलब यहाँ पे तो कोई फीड प्लांट है नहीं, आप बाहर से ही मंगाओगे तो अगर उसके रिटेंशन पावर नहीं है तो पाउडर बन जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट होते होते आते आते उसका वो खराब हो जाएगा। तो वो डस्ट बिल्कुल जनरेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, हाई वाटर स्टेबिलिटी होनी, जैसे मैंने आपको बताया पान पोल्यूशन कम करने के लिए बेटर एफसीआर फास्टर ग्रोथ और हेल्दी फिश। नेक्स्ट, क्यों एक हमें जरूरी होता है कि अच्छा फीड की क्वालिटी क्या होती है, उसमें अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल क्या होते हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी हमारे अपने खाने की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें हमें सब कुछ चाहिए, हमें राइस भी चाहिए, हमें चपाती भी चाहिए, हमें चिकन भी चाहिए, हमें मटन भी चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे करके होना चाहिए। नेक्स्ट, तो उसमें जो हमारा फीड है उसमें भी ये सब चीज़ें सारी होनी चाहिए, जो एक बैलेंस न्यूट्रिशन होता है ना वो बहुत जरूरी है कि आपके फीड में बैलेंस न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट, अभी कैसे पता करेंगे कि हमारा जो फीड था वो बैलेंस था कि नहीं था, आप फीस का ऐसे कट करिए। सबसे खास बात है कि हमारा फास्टर ग्रोथ रहता है और लो एफसीआर रहता है, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी है, बेटर फिश हेल्थ है, मीट क्वालिटी है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है, इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी है, लेस पॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब फीडिंग मेथड्स के बारे में बात करें, शायद मेरे ख्याल से ये स्लाइड यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगी, फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से तरीके होते हैं। नेक्स्ट, ये जैसे यहाँ पे तो ये काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे पॉन्ड होते हैं, लेकिन और जो और जगहों पे बड़े पॉन्ड्स में ऐसे फीड को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ लोग जो बहुत बड़े पॉन्ड होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में 4-4, 5-5 एकड़ के पॉन्ड होते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इस तरह के बैग में डाल के वो करते हैं। नेक्स्ट, एक मेथड ये भी है कि जहाँ पे मतलब लेबर की प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इस तरह की एक हड्डी बना के देखिए आप देखें कि उसमें डाल देते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों, क्योंकि आपका एरिया बहुत छोटा है। नेक्स्ट, अगर आप कुछ जगहों पर ये चेक ट्रे से बना के चेक ट्रे में फिर डाल देते हैं
लेकिन फ्रूटिंग फीड में काम नहीं आता है, सिंगिंग फीड जहाँ यूज होता है उसमें काम आता है। नेक्स्ट, ये एक नई टेक्निक है, शायद आपने नहीं देखी होगी, ये रेस बेल्ट यूज होती है, ये इसको ऑटो फीडर बोलते हैं। लोग इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि जो है हाथ से फीड डालें, पॉट के बीच में लगा दिया, वो उसका टाइमिंग सेट कर दिया, अपने हर 5 मिनट के बाद वो फीड डालेगा, और मछलियों को भी पता है कि परमानेंट किचन यहाँ पे हमारे ये है कि उनको, तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि मछलियाँ जो है भागती नहीं है कि नहीं सब अभी अभी फीड नहीं मिलेगा, उनको मालूम है कि हर अभी 5 मिनट के बाद फिर से दूसरा राउंड आएगा आपके आपके लिए, धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है, तो कैनिबलिज्म भी कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ और एक बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, ये तरीका होता है, इसमें से फीड आता है, ऐसे जाता है, उसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मशीनें करती हैं। नेक्स्ट, ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाया था आपको। ये अगर छोटे पॉन्ड आप कर रहे हो, अगर आपके पास लाइट पॉन्ड भी कर रहे हो, बहुत कम लोग हैं जिनके पास रेस बेस होंगे, छोटे पॉन्ड जो करते हैं, छोटे पॉन्ड जिनके पास है, उसमें इस तरह का आप स्लज रिमूविंग पॉइंट बना सकते हो। आप उसमें क्या होगा कि जितना भी कचरा है ना वो इन पिट्स में जमा हो जाता है और उसको आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये जो लाइट पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे आपने प्लास्टिक की लाइनिंग लगा रखी है, उसके लिए एक सेंट्रल ड्रेन रहता है इस तरह का, वहाँ पर भी सारा जो पॉल्यूशन आपका है पॉन्ड का, मछलियों का जो सीट है वो उसमें निकल जाता है, लेकिन ये रेस में जरूरी नहीं है, क्योंकि रेस में पानी आता है निकल जाता है, उसके लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये एक जो ये पूरा एक लाइंड पॉन्ड है, जो आप जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है जो सीमेंट का सपोर्ट कर पाए, वो ये इस तरह कल्चर में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वाटर ट्रांसपेरेंट रहता है। नेक्स्ट, जो स्नो यहाँ पे कौन सा ट्राउट आपको आप लोग कल्चर करते हो? रेनबो ट्राउट। तो रेनबो ट्राउट का भी रेंज जो है ना, आप वाटर टेम्परेचर का शायद मेरे ख्याल से 5 से 18 के बीच में रहता है, और उसका जो डिजायर्ड ऑक्सीजन लेवल है ये कम से कम 5 से 8 ppm होना चाहिए, तो ये तभी पास फेल है जब आप रनिंग वाटर में कल्चर करो, वरना ये अगर आपने तालाब को रोक के रखा और उसमें आपने कल्चर किया शायद ही पास फेल नहीं होता है। नेक्स्ट, पीएच, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो 7 to 8 होना चाहिए आपको, और टर्मिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब आपको प्रॉब्लम आती होगी जब रेन होता होगा, जब बारिश होती होगी, जब सारी स्क्रीन ऊपर की है वो गंदी हो जाती है, तो टर्मिडिटी वाटर आता है, टर्मिडिटी टू करने के लिए क्या, लेकिन उस समय भी आपको जरूरी है कि हम उसको मैनेज करें, उसको क्लियर वाटर करके रखें। उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपका पानी, आप एक अरेंजमेंट ये कर सकते हो कि एक छोटा सा रिजर्वर बना लिया, कि पहले आपने वहां पे पानी इकट्ठा कर लिया, उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, उससे भी थोड़ा सा वो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे उसमें से, फिर उसमें से अपने पॉन्ड में आपने पंप कर लिया। मछली देखिए जो बीक है उसके लिए क्या करना है आपको, उसको निकालना है और 4 ppm जो है KMNO4 जो लाल दवाई होती है ना उसमें डिप करके आप उसको फिर से उसमें डाल सकते हो। इन्फेक्टेड जो फीड फिश है आपकी, जो लेथर्जिक है या आपको लग रहा है कि बीमार है, उसको आप तुरंत निकाल के उसको ट्रीट करिए, उसको अलग कर दीजिए अलग से, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो एक कहावत मशहूर है, तो वो आप जरूर करें कि सॉरी, अगर अगर आपको एक बार लगे तो कि कोई बीमारी लग रही है, तो आप एक जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं या यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनको किराए पर आप जरूर लें। नेक्स्ट, ये जो मैं बता रहा था सच्ची डिस्क रीडिंग होती है, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये एक्वा कल्चर की एक जान है। आप देख रहे होंगे कि एक साइड में एक डिस्क बनी हुई है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में किया गया है, बहुत सिंपल है, आप एक कोई प्लेट ले लीजिए प्लास्टिक की, लकड़ी की, या जिस चीज की भी आपके पास हो, उसको 4 भाग में बांट के ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, और उसमें एक राड लगा दीजिए, राड को 0 से शुरू करी नीचे से और ऊपर ऊपर करीब जितना भी आपका गहराई है 1 meter 2 meter उतना गहरा रखिए, और हर दिन इसको 12 बजे पानी के अंदर डिप करिए आप अपने कल्चर पानी में, तो आपको जहां तक डिप करना है, जहां तक काला सफेद आपको दिख रहा है, आपको उस लेवल तक डिप करना है अपने तालाब में कि जब तक आपको काला सफेद आपको दिखना बंद नहीं होता है, वो आपको 25 के आसपास होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर के आसपास अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपका 25 या अबव 25, 30, 40, 50, 60
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 से कम दिख रहा है अगर, तो फिर आपके पॉइंट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन डेवलप हो, लेक्टॉन डेवलप हो रहे हैं, या आपका जो ऊपर का पानी है वो गड़बड़ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक बड़ा पॉइंट है, जो कि मैं अपने 35 साल के एक्सपीरियंस का मैं ये आपको दे रहा हूँ। ये अगर आपने 25 सेंटीमीटर से नीचे ऊपर मेंटेन करके रखा, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, आपका पानी और आपकी फिशेस अच्छे हेल्थ में ही मिलेंगी, ये इस चीज की गारंटी है ये डिस्क। और इसको आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं बताएगा, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये तभी होगा जब सब चीजें आपके मतलब की होगी। अगर इसकी रीडिंग 25 है, इसका मतलब आपका जो पीएच लेवल है वो 7 से 8 के बीच में होगा, तभी आपको ये 25 सेंटीमीटर दिखेगा। अगर आपका पीएच 10 आ गया, इसका मतलब आपका जो पीएच है 8 के ऊपर है, डीओ आपका जो है दिन में 9 के ऊपर जाएगा, रात को 3 या 4 के अंदर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं ना थर्मामीटर, मतलब डॉक्टर लोग यूज करते हैं स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ना वो लगाने के लिए, वो आपके लिए ये है। बहुत सिंपल चीज है, 150 रुपये बन जाती है, लेकिन जरूर रखें इसको अपने तालाब में, आप कोई भी महंगी चीज मत रखें। नेक्स्ट ये पीएच स्केल है, जैसे आपको मालूम है कि एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, लेकिन हमें 7 to 8 के बीच में जो है ना मछलियाँ बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, तो थोड़ा सा 7 से ऊपर जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बायोसिक्योरिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, अब ये एक आपको सुनने में एक अजीब सा टर्म लग रहा होगा बायोसिक्योरिटी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये हाइजीन से रिलेटेड है। आपको डिजीज फ्री एनवायरनमेंट अपने तालाब में रखना है। जैसे हम कोविड टाइम पे हम करते थे, आपको याद, हम सबने नोटिस किया है कि उस समय हम लोग हाइजीन को लेके बिल्कुल, उससे पहले हम लोग शायद दिन में एक बार टॉयलेट गए तो भले हाथ धोते रहे होंगे, लेकिन उस समय हमने शुरू कर दिया था कि हर 5 मिनट 10 मिनट पे वो करना है। तो वो हमें ये बहुत जरूरी है बायोसिक्योरिटी। और जो एक वर्टिकल डिजीज होती है जो एक से दूसरे में फैलती है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए बायोसिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि इसको आप फॉलो करो। ट्रैफिक कंट्रोल इज एंट्री फार्म लेवल, जो आप पानी लेके आप आ रहे हो, जो आप पानी स्ट्रीम का या रिवर का लेके आ रहे हो ना, उसकी स्क्रीनिंग करनी बहुत जरूरी है। वो मैं दिखाऊंगा आपको उससे क्या नुकसान होता है। और जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, जैसे अभी आरएस में है, तो आरएस में अगर आप कर रहे हो तो आपका वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आपको नुकसान होगा, आपको अमोनिया आपके तालाब से मिलती है। नेक्स्ट ये देखिए, एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इसको क्रैप फेंसिंग बोलते हैं। अपने जो तालाब है, जो आपका रेस बेस है, उसमें एक आधा फीट अंदर करके इसको आप डाल दीजिए, और ये अपने तालाब के चारों तरफ लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, कोई भी स्पीसी, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, सांप हो, कोई भी हो, जो आपके तालाब के अंदर नहीं जाएगा, और हमें जाने भी नहीं देना है। इसके लिए ये देखिए, ये एक तरीका होता है कि आपने खोद के उसको दबा दिया अंदर में। ये एक अर्धम पॉइंट है आपका, आपके लिए जरूरी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको आप सीधा तालाब, अगर आपने आपका अर्धम तालाब है या आपका आपका मिट्टी वाला तालाब नहीं है, सीमेंटेड है, सीमेंटेड के बाजू में आप लगा के इसको आप उसको यूज कर सकते हो। ये एक और आपको वो छोटा दिख रहा होगा, जाल दिख रहा होगा, इसको बर्ड नेट बोलते हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे आपके छोटे मोटे जो पक्षी वगैरह है ना, वो आके आपके तालाब से लेके न जाएं। जाल आप जरूर लगाएं अपने तालाब के चारों तरफ, ऊपर भी लगा दें अगर आप आपके पास, और ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, छोटी चीज, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी सेफ्टी भी रहेगी। नेक्स्ट ये बहुत जरूरी चीज़ है, आप ध्यान रखिए इसको।
जहां से आपका एंट्री पॉइंट है, जहां से आप तालाब में घुस रहे हो, वहां पर या तो आप गड्ढा बना लीजिए कोई सीमेंट का, या कुछ नहीं तो आप ये आपकी जो ट्रे होती है ना प्लास्टिक की ट्रे, उनको ले लीजिए, उनमें आप पानी भर दीजिए और उसमें K-4 जो लाल दवाई होती है वो डाल दीजिए। और जब भी आप तालाब के अंदर जाएं, ऐसे ही आप एक और बकेट रख लें, हाथ और पैर इस पानी में डुबा के जाएं, तो अगर किसी कोई डिजीज आपके साथ में है तो वो आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अभी मैंने प्रॉपर ट्रैफिक की बात किया था वाटर, अगर आप कहीं स्क्रीन से पानी ले रहे हैं तो इस तरह का फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है आपको, कि वहाँ पे जो सप्लाई है वहाँ पे बेस लगा हुआ हो प्रॉपर। अगर बेस आपको लगा रहेगा तो आपको कोई भी अनवांटेड फिशेज आपको जो नहीं चाहिए आपको वो नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा रिमाइंडर है, जैसे मैंने आपको बोला प्रिपेयर योर पॉन्ड प्रॉपरली। पॉन्ड में सबसे पहले जरूरी है कि अपने अपनी नर्सरी आप अच्छी से अच्छे से तैयार करें, जो हमने तरीके बताए। दूसरा, आपका जो पॉन्ड है पॉन्ड को अच्छे से तैयार करें। बायोसिक्योरिटी मेजर्स जो अभी मैंने आपको दिखाए वो बहुत जरूरी है। सीड क्वालिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें, कुछ भी हो जाए कंप्रोमाइज नहीं करना है। यूनिफॉर्म साइज का सीड लेना है, चाहे कोई कितना भी आपको बताए, और अच्छी क्वालिटी का आपको फीड यूज करना है जो कि कप FCR और अच्छी ग्रोथ दे आपको। नेक्स्ट, थैंक यू। अब आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, हम लोग अब आप जो क्वेश्चन आपके हो वो दे सकते हैं। Lecture with all of us, and thank you, sir, for sharing your beautiful and inspiring journey with all of us. Thanks a lot, sir.